हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी जीटी सैन एंड्रियास में टगन बॉस की स्किन को इंस्टॉल करेंगे, वो भी बिना किसी स्किन को रिप्लेस किए। आप लोग देख सकते हो, ये हमारी जीटीआई ऑनलाइन से कन्वर्टेड स्किन है, टोटली टगन बॉस की हमारी स्किन है ये एवरी की, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग इस स्किन को अपनी गेम के अंदर स्किन सेलेक्टर की हेल्प से इंस्टॉल करने वाले, वो भी बिना किसी स्किन को रिप्लेस किए। आपको कोई स्किन रिप्लेस करनी नहीं पड़ेगी इसके लिए। तो गाइस, अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते भी अपने ब्राउजर की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इस स्किन को अपनी गेम में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग अपने ब्राउजर की तरफ आ चुके हैं, और ये हमारा मॉड है जिसका नाम है जी टी ए 5 कैसीनोस अपडेटेड एवरी डगन स्किन। ये हमारी स्किन है जिसे डार्क मैप नाम के बंदे ने क्रिएट की है। आप लोगों ने क्या करना है, इस स्किन को ऐसे डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप लोग ऐसे स्किन को डाउनलोड कर लोगे, इसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी स्किन सेलेक्टर की। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जी टी ऑल की वेबसाइट से स्किन सेलेक्टर को जिप इंस्टॉलर में इंस्टॉल करना है, जिप फाइल विदाउट इंस्टॉलर में। आप लोगों ने यहाँ से इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप लोग इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर लोगे, तो ये आपके मॉड्स आ जाएंगे कुछ इस टाइप के। ये जो है आपके डगन बॉस की स्किन है, और ये जो है आपका स्किन सेलेक्टर है। आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पर फोल्डर के अंदर कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हो हमारे जो स्किन और स्किन सेलेक्टर वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। अब आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी साइड पर अपनी जीटी सैन एंड्रियास की मेन डायरेक्टरी यहाँ पर ओपन कर लेनी है। हमारे जीटी सैन एंड्रियास का मेन फोल्डर यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, स्किन सेलेक्टर के फोल्डर को खोलना है, और यहाँ पर आपको एक में फोल्डर दिखेगा कॉपी टू गेम फोल्डर नाम का। आप लोगों ने इस फोल्डर में जाना है, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा क्लियो। आप लोगों ने क्या करना है, क्लियो वाले फोल्डर में चले जाना है, और यहाँ पर आपको दो फाइलें दिखेंगी, स्किन डॉट आई एम जी और स्किन डैश सी एस। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों स्किन्स को जो है आप लोगों ने यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जीटी सैन एंड्रियास के क्लियो फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता कि क्लियो फोल्डर किस तरीके से क्रिएट होता है, तो उसकी वीडियो आपको बटन में मिल जाएगी, आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर आपको मैं बता दिया कि किस तरीके से क्लियो फोल्डर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, स्किन डॉट आई एम जी और स्किन डैश सी डॉट सी एस फाइल, इन दोनों फाइल्स को जो है इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने बैक आने और अपनी डेटा फोल्डर में चले आना है, जी टी सैन एंड्रियास के मेन डेटा फोल्डर में। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने जी टी ए डॉट डेट वाली फाइल को ओपन करना है, और यहाँ पर मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, एक फाइल यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करनी है, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ आई एम जी लिखना है यहाँ पर, आप लोगों ने फिर यहाँ पर क्लेव लिखना है। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर स्लैश डालना है जिस तरह ऊपर डाला हुआ है, और यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है स्किन डॉट आई एम जी, यहाँ पर इस एस के आई एन स्किन डॉट आई एम जी, स्किन डॉट आई एम जी, यहाँ पर आप लोगों ने ये लाइन टाइप करनी है, और यहाँ पर आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको एक टूल की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है यहाँ पर टी एक्स डी वर्कशॉप। आप लोगों ने इस टूल का डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों ने इसको रन करना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे इसको रन कर लोगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक बटन आएगा ओपन आई एम जी नाम का, आप लोगों ने इस बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने अपने जी टी सैन एंड्रियास की मेन डायरेक्टरी में जाना है। जैसे मेरा ये फोल्डर है जी टी सैन एंड्रियास मॉडेड नाम का, मैं अपनी जी टी सैन एंड्रियास के मेन फोल्डर में होगा। यहाँ पर हमने जो स्किन डॉट आई एम जी इंस्टॉल की है, जैसे हमने क्लियो के अंदर ये वाली फाइल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप की थी क्लियो में, तो यहाँ पर अभी हम लोग स्किन डॉट आई एम जी को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रेंको नाम की एक स्किन है, तो उसको अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, चाहो तो आप लोग यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप उसको डिलीट नहीं करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक्शन के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने अपने डेस्कटॉप पे जाना है जहाँ आप लोगों ने डगन बॉस की स्किन को एक्सट्रैक्ट किया था। यहाँ पर ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया था कैसीनोस अपडेट स्किन को, इस फोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पर एक और फोल्डर है फाइल्स नाम का, इस फोल्डर में जाते हैं, और यहाँ पर इन दोनों फाइल्स को जो है यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी जो डगन बॉस की स्किन है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है टेक्सचर्स के साथ। आप लोग देख सकते हो हमारी जो स्किन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, एंड देन यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। तो गाइस, जो इंस्टॉलेशन जो कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम लोग चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से डगन बॉस की स्किन को स्पॉन कर सकते हो। चलते हैं अभी हम लोग अपने गेम प्ले की तरफ। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग अपने गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर टैब क्यू और ई को एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैं टैब क्यू और ई को एक साथ प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्किन सेलेक्टर का मेन्यू यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट प्रेस करके एड ऑन एक्टर्स में चले आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक स्किन दिखेगी यहाँ पर स्किन नाम की,
क्योंकि हमारे ढक्कन बॉस की स्किन का नाम स्किनी था। तो यहाँ पर आप लोग अपने स्किन के ऊपर बटन प्रेस करना है, जो यहाँ पर चेंज स्किन का बटन होगा सबसे टॉप पर। जैसे मेरा यह लेफ्ट शिफ्ट आ रहा है चेंज स्किन का, तो मैं लेफ्ट शिफ्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे ढक्कन बॉस की स्किन यहाँ पर आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग इसकी कॉपी भी स्पॉन कर सकते हैं लेफ्ट कंट्रोल को प्रेस करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे जो GTA ऑनलाइन से कन्वर्टेड ढक्कन बॉस की स्किन है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है बिना किसी ग्लिच के। आप लोग देख सकते हो फुल टोटली हाई क्वालिटी का मॉडल है नॉर्मल मैप्स के साथ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ ऐसी गेमिंग वीडियोस को देखने के लिए। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।